देखो देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि कैसे फ्री फायर में ड्रेस लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें नहीं पता कि कपड़े कहाँ से खरीदे जाते हैं, कॉस्ट्यूम कहाँ से ली जाती है, कितना पैसा लगता है। उन सबको ये बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है यार। उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अगर तुम भी देखना चाहो तो देख सकते हो, काफी मजा आएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सो अल्फाइज यर एंड गाइस, आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम फ्री फायर के अंदर एकदम फ्री में कैसे ड्रेस कॉस्ट्यूम बंडल ले सकते हो। मालूम है तेरे बाप को मैं सिखा चल। जो फ्री फायर को अभी अभी डाउनलोड किया एंड मतलब फ्री फायर को खेलना अभी अभी शुरू किया उन लोगों ने, तो उनके लिए ये वीडियो है। सो वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना, तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मुकेश को पूछते हैं। मुकेश इंट्रो लगाएगा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। वेल डन गाइस, देख रहे हो मुकेश धीरे धीरे बदतमीज। ये लड़का बहुत बदतमीज होते जा रहा है, मैं इसको बाद में कोने में लेके समझाऊंगा। वीडियो खत्म होने दो। सो गाइस, अब अपन अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो अपने वीडियो का टॉपिक है कि तुम फ्री में कॉस्ट्यूम कैसे लोगे। तो कॉस्ट्यूम लेने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? डायमंड? नहीं। पैसा? नहीं। गोल्ड? हाँ, तुम्हें बहुत सारा गोल्ड चाहिए होगा। एंड ये गोल्ड कैसे मिलता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ गोल्ड कैसा दिखता है। ऊपर तुम लोग जो देख पा रहे हो ये गोल्ड होता है। एंड ये मेरे पास बहुत सारा है, वैसे तुम्हारे पास भी होगा बहुत सारा। एंड अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें बहुत सारा करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे देखो, तुम्हें रैंक मैच या कोई भी मैच खेल के आओगे तो रैंक मैच में ज़्यादा गोल्ड मिलते हैं। तो तुम कोई भी मैच खेल के आओगे तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड मिलेगा। एंड तुम्हें धीरे धीरे करके बहुत सारा गोल्ड जमा करना पड़ेगा। जैसे मैंने इतना सारा गोल्ड जमा कर लिया बहुत मेहनत करके। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो देखो, अब जो तुम्हारे पास गोल्ड है उससे तुम कहाँ पे जाके कपड़े खरीद सकते हो, मतलब दुकान कहाँ पे है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। साइड में तुम्हें एक लक रॉयल दिख रहा होगा, इस पर तुम जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मतलब इंटरफेस नहीं, यहाँ पे लूटा जाता है बहुत खतरनाक तरीके से। यहाँ पे तुम्हें नए नए बंडल दिख रहे होंगे, ये सब मोह माया होती है। देखो डायमंड रॉयल बंडल एंड यहाँ पे नीचे इंक्यूबेटर में गन वगैरह की स्किन। यहाँ पे किसी में भी स्पिन मत करना, ये डायमंड से लिए जाते हैं। मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं। एंड अगर तुमने यहाँ पे किसी भी डायमंड वाली चीज पे स्पिन किया तो तुम्हारे डायमंड कट जाएंगे एंड तुम लूट जाओगे। सबके सब चोर हैं साले। तो तुम्हें फ्री में कॉस्ट्यूम चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें गोल्ड ऑयल दिख रहा होगा। गोल्ड ऑयल पे जैसे तुम क्लिक करोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे तुम स्पिन करके जो तुमने गोल्ड कमाए थे उसका स्पिन करके यहाँ पे तुम ये जो बंडल है निकाल सकते हो। और भी यहाँ पे बहुत सारे पैंट शर्ट जैसे मैं तुम्हें स्पिन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें स्पिन करना और तुम्हारे कुछ भी आइटम निकल सकता है। एंड जैसे आइटम निकलेंगे इनको तुम पहन सकते हो। एंड ये कुछ परमानेंट भी नहीं होते। जैसे कि तुम परमानेंट अगर कुछ निकल जाता है तो अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे 3 दिन 4 दिन के लिए होता है, तो तुम हर 3-4 दिन में यहाँ पे नए नए कपड़े खरीद सकते हो। मस्त प्लान है। एंड इसके अलावा मैं तुम्हें एक और जगह बताता हूँ जहाँ पे तुम कपड़े खरीद सकते हो, एक अलग दुकान और बताता। नीचे तो साइड में जो तुम स्टोर वाला ऑप्शन देख रहे हो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें साइड में आना है। यहाँ पे तुम्हें FF टोकन दिख रहा होगा। एंड FF टोकन में तुम यहाँ पे नीचे आना थोड़ा सा। एंड यहाँ पे तुम्हें ना कुछ भी खरीद सकते हो FF टोकन से। FF टोकन कैसे मिलते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, एक तो तुम गोल्ड ऑयल में स्पिन करोगे तो साइड में वहाँ पे मिल जाएंगे तुम्हें FF टोकन। एंड इसके अलावा तुम ना एक फ्रेंड मतलब डेली एक मैच अपने फ्रेंड के साथ खेलोगे तो 5 FF टोकन मिल जाएंगे। तो ऐसा तुम कलेक्ट करके यहाँ पे भी ये जो है क्रिमिनल वाला नहीं है, ये जो जेल में जो कैदी पहनता है ना वो वाला बंडल में ले सकते हो। ये अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है। एंड यहाँ पे तुम ऐसा चीजें खरीद सकते हो। तो देखो यार, ये तो फ्री वाले कपड़े हो गए जो तुम खरीद सकते हो। अगर तुम्हें महंगे कपड़े खरीदने हैं तो महंगे कपड़े खरीदने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे डायमंड। अब देखो डायमंड कैसे आते हैं, डायमंड आते हैं पैसों से। मतलब तुम्हें टॉपअप करना पड़ेगा जब तुम्हारे पास डायमंड आएंगे। एंड मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि देखो बंडल वगैरह खरीदो, बंडल वगैरह मत खरीदना ठीक है अभी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बंडल अच्छे नहीं है, बंडल बहुत अच्छे है, चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। सो मेरा मतलब यह है कि गाइस देखो, तुम अभी फ्री फायर के अंदर नए आए हो एंड अभी तुम्हें नहीं पता कौन सा बंडल अच्छा है। मतलब तुम एक घटिया से बंडल पे भी डायमंड लगा दोगे तो वो गलत रहेगा। तो अभी तुम कुछ दिन खेलो एंड जो तुम्हें बंडल पसंद आता बाद में तुम खरीद सकते हो। अब ये मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। सो यार, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर मैंने तुम्हारी कुछ हेल्प की है तो तुम लाइक कर सकते हो। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर काफी कम है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हाँ यार, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो ना यार, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। एंड इसी के साथ गाइस, हमारे सेकंड चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे अपन फ्री फायर कम्युनिटी की न्यूज कवर करते हैं, मतलब फ्री फायर में क्या क्या चल रहा है वो सब उस चैनल पे आता है। एंड काफी अच्छी वीडियो आती है, एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड जैसे तुम उस चैनल पे 5000 सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं कुछ बड़ा करूंगा, मतलब बड़ा ऐसा वो वाला कुछ नहीं यार, ये क्या है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुकेश क्या बोल लेते तुम उस टाइम, यानी क्या बोल लेते? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। देखो ध्यान से सुनो, ऐसा मत बोला करो यार, बुरा लगता है। सब्सक्राइबर के सामने इज्जत रखो यार थोड़ा। चल जा।